देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। जिला बुलंदशहर के बुगरासी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 35 वर्षीय युवक का शव गेहूं के खेत में मिला। शव की शिनाख्त हो गई है। युवक भगवानपुर का निवासी है जिसके पिता का नाम रहमान है और मृतक का नाम फखरुद्दीन है जो कि 4 दिन से लापता चल रहा था। भगवानपुर निवासी रहमान का 35 वर्षीय बेटा फखरुद्दीन पिछले 4 दिन से लापता चल रहा था और 5वें दिन युवक का शव 3 बजे करीब गेहूं के खेत में मिला है। हालांकि सूचना मिलते ही चौकी बुगरासी पुलिस और नरसेना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि जहां शव मिला है वहां हम सुबह ही तलाश करके गए थे मगर जब शव यहां नहीं था और 3 बजे जब दोबारा वहां गए तो फखरुद्दीन का शव वही मिला पड़ा, जिसे लेकर मृतक के परिजनों का गांव के व्यक्ति पर शक है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि फखरुद्दीन की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई है और हत्या के बाद तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। पानी चलाने के लिए ऐसा कितने वर्ष का लड़का है? 35 साल के करीब माना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने गुमशुदा की कोई रिपोर्ट थाने में करवाई थी? तो ठीक है। अब आपका लड़का जो आपका भाई जो बरामद हुआ है किस हालत में बरामद हुआ है? वो खेत को खाना खा के खेत पर आया था पानी चलाने के लिए। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं लापरवाही बरते की जो इस तरह की आपके जो भाई के साथ में जो घटना थी? पानी चलाने के लिए हुआ था और कह रहा था मैं आके पर खाना खा लूँगा आने के बाद में, फिर हमें पता लगी खाया नहीं, फिर हम ढूंढने के लिए। क्या लगता है क्या ये किसी संजिश राज किसी से दुश्मनी थी क्या आपको? पुलिस क्या कर रही है इसमें? क्या किसी पे शक वगैरह संदेह? अब सब तो सामने आ गया। देखिए 5 तारीख को अपने ट्यूबवेल पे घर बता करके एक व्यक्ति निकला था और उसके बाद घर नहीं वापस लौटे थे। थाने पर आकर के 6 तारीख को इन्होंने सूचना दी थी घर वालों, जिसके आधार पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके तलाश का प्रयास किया गया था। आज उसकी डेड बॉडी मिली हुई है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है और विस्तृत जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की। कहीं ना कहीं सर ये जो 3 दिन से जो लापता था कहीं ना कहीं पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा लापता, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अच्छा। कि कैसे किन परिस्थितियों में गायब थे, क्या थे, कहाँ चले गए थे, इसकी जांच की जा रही है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।